महिलाओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाए जा रहे मिशन साहसी मुहिम के अंतर्गत बुधवार को महानगर के विभिन्न कन्या विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें स्कूली छात्राओं को ताइक्वांडो के माध्यम से आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। इसी के तहत महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स में लगभग 400 बालिकाओं को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान परिषद के आयुष ओझा, प्रिया सिंह, अनामिका राहुल सहित स्कूल की छात्राएँ मौजूद रहीं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्कूल की छात्राओं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आयुष ओझा ने बताया। और राहुल भैया के तरफ के ब्लॉक करेंगे, ओके ठीक है, पोजीशन ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिडिल ब्लॉक, मिडिल ब्लॉक पता है आप लोगों को, मिडिल ब्लॉक ये पंच, 8 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10
और हम लोग इससे सेफ भी रह सकते हैं रोड पे। और अब हम लोग ये उद्देश्य है कि इसी तरह सारे स्कूल में सिखाया जाए कि सारे बच्चे सेफ रह सकते हैं। अच्छा काम किया है, क्या सिखाया जा रहा है? कि हम लोग को ये सिखाया है कि हम लोग अपने आप में हर काम कर सके, हम लोग कोई मतलब सामान में कोई दिक्कत ना हो। मेरा नाम आयुष कुमार ओझा है, मैं अखिल भारतीय विद्यालय सहमंत्री हूँ जी। देखिए, हमारे इस मिशन साहसी कार्यक्रम का मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि लड़कियों में आत्मनिर्भरता लाना, उनके अंदर स्वावलंबन लाना, जिससे वो समाज में अपने आप को खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें और समाज में कहीं भी किसी भी प्रकार का अपने और अपने से संबंधित किसी भी लोगों का अपने लिए एक स्वावलंबन का जो शिकार लड़कियाँ हो रही हैं, जो एक प्रवृत्ति का शिकार हो रही हैं, उनसे बच सकें और अपने आप को पूर्णतः निर्भर मान सकें। देखिए, हमारा कार्यक्रम ये 29 तक चलेगा और 29 के बाद 30 तारीख को विश्वविद्यालय के कैंपस में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होगा, जिसमें लगभग 10,000 बालिकाएं प्रतिभाग करेंगी और अपने प्रतिभा का एक सम्मान कराएंगी। और इसमें हमारे साथ पीछे आप देख सकते हैं कितनी लड़कियाँ इसमें प्रैक्टिस में लगी हुई हैं। इसी तरह हम हर विद्यालय में जा रहे हैं और लड़कियों में के अंदर वो प्रतिभा खोज के निकाल रहे हैं जो लड़कियों का नारी सशक्ति के अंदर होती है।